चोरी का मोबाइल बेचते हुए दो चोरों को गिरफ्तार करने में साहिबगंज पुलिस को मिली बड़ी सफलता। साहिबगंज जिला पुलिस अधीक्षक HP जनार्दन ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि तालझड़ी थाना क्षेत्र के महाराजपुर डाक बंगला में गुप्त सूचना मिली थी कि चोरी का मोबाइल खरीद बिक्री किया जा रहा है। सूचना मिलते ही एक टीम का गठन हुआ। टीम का नेतृत्व तालझड़ी थाना प्रभारी राम हरीश निराला ने किया और छापेमारी की गई, जिसमें मोती झरना निवासी मोहम्मद तनवीर व मोहम्मद सुकून को 21 4G मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया गया। मोहम्मद तनवीर के पास से 15 मोबाइल व मोहम्मद सुकून के पास से 6 मोबाइल जब्त किया गया। छापेमारी टीम में JSIB मांझी, ASI योगेंद्र सिंह सहित पुलिस बल उपस्थित था। महाराजपुर गांव का जो मोबाइल चोर लोगों के उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए विशेष टीम का गठन किया गया था, और इसी क्रम में एक सूचना मिला था कि कुछ लोगों के द्वारा चोरी का मोबाइल कम कीमत को बेच रहा है। उसी में तलझड़ी थाना प्रभारी के नेतृत्व में जो टीम का गठन किया गया था, वो इस सूचना को सत्यापन करने के लिए और सत्यापन के बाद छापेमारी के लिए निकला। छापेमारी में डाक बंगला, महाराजपुर डाक बंगला थाना तलझड़ी के दो आदमी मोहम्मद तनवीर और मोहम्मद सतुल शेख को गिरफ्तार किया गया, और गवाहों के सामने भारी भारी में लोगों का तलाशी लिया, और तलाशी में टोटल 20 चोरी का मोबाइल बरामद किया गया। हम लोग अभी जो आदमी मोबाइल चोरी करते हुए पैसा कमाया है, उन लोगों का संपत्ति का ब्यूरो हम लोग तैयार कर रहे हैं, और तैयार करते हुए हम लोग एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को इन्वॉल्व करते हुए इन लोगों का जो क्राइम रिलेटेड कार्रवाई करते हुए जो पैसा कमाया है, वो पैसा को जब्त करने का कार्रवाई हम लोग। गिरफ्तारी सर कहाँ से हुई? गिरफ्तारी हुआ है। नेशन 24 के लिए साहिबगंज से पिंटू सिंह के साथ पप्पू पंडित की रिपोर्ट।